कुछ टाइम पहले हम लोग लाइव चैनल चेकिंग कर रहे थे और उसमें तुमने कमेंट किया या चैनल चेक करो और मैंने फिर कहा हाँ अभी करता हूँ। फिर तुम्हारा चैनल सर्च में ही नहीं आया, तो इसका मतलब तुम्हें एक वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, मैं समझ गया था। और बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे ऐसे कि हमें बताओ कि चैनल सर्च में कैसे लाएं। तो ठीक है, आज तुम्हारे लिए फाइनली वो वीडियो आ गया। तो आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कैसे आप लोग अपना कोई भी चैनल, चाहे नया से नया चाहे पुराने से पुराना, कितने भी सब्सक्राइबर्स हों, जीरो से लेके कितने भी हों, सर्च में ला सकते हो टॉप पर। तो आज की वीडियो में इसी को पूरा कवर करेंगे, तीन ट्रिक्स जो बहुत सिंपल हैं और इनके बाद तुम्हारा चैनल 100% सर्च में आएगा। तो ट्रिक नंबर वन से शुरू करते हैं। पहली ट्रिक है कि अपने चैनल का नाम ही यूनिक रखो। ऑब्वियसली काफी लोगों को पता होगा कि तुम्हारा जो नीच है, तुम्हारा जो टॉपिक है जिस पर तुम बोल रहे हो अपने चैनल में या कुछ कर रहे हो उससे रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड नाम रखो या अपना खुद का नाम रखो, क्योंकि हमारे जो खुद के नाम होते हैं वो ऑलरेडी यूनिक होते हैं इंडिया में देखो तो खासकर। तो अपना खुद का नाम रखो, उसे ही चैनल के नेम से स्टार्ट करो। लेकिन बहुत सारे कॉमन नाम है, राम, श्याम, अंटू, पिंटू, बहुत सारे हैं। तो ऐसे तुम्हें कॉमन नाम अगर तुम्हारा है तो तुम्हें नाम चेंज करने की जरूरत है अपने चैनल की। इसमें हम लोग सोचते हैं कोई अजीब सा नाम, जैसे टेक विद आदित्य, ऐसे बहुत सारे चैनल्स मिल जाएंगे तुम लोग को यूट्यूब पर जब तुम सर्च करोगे। तो पहले तुम मेरा एग्जांपल देखो, तुम जैसे ही मेरा चैनल सर्च करोगे यूट्यूब पे तुम्हें सबसे ऊपर दिखता है आदित्य चाल या मेरी ही कोई वीडियो और उसके नीचे मेरा चैनल या मेरा चैनल ऊपर या मेरी वीडियोस नीचे, यही रहता है। तो तुम्हें भी कुछ ऐसा करना है कि लोग जब तुम्हारा चैनल सर्च करें तुम किसी को रिकमेंड करो कि भाई मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दियो और वो तुम्हें बोले चैनल का नाम, तो तुम चैनल का नाम जो बोलो वो सर्च में आ जाए, उसे फिल्टर ना लगाना पड़े। तो सिंपल सी चीज़ है, हम लोग को क्या करना है, यूनिक नेम रखना है और अपने नीच के अकॉर्डिंग। अब ये इतना चल सकता है कि उससे 25 सब्सक्राइबर वाला एक चैनल जो इनएक्टिव है, तो जो एक्टिव चैनल होगा वो अपने आप ऊपर आ जाता है। तो तुम लोग को एक्टिव रहना है यूट्यूब पर। दूसरी चीज़, अगर तुम्हारे चैनल का सेम नाम का एक और चैनल है लेकिन वो काफ़ी टाइम से इनएक्टिव है, तो कोई बात नहीं, तुम वो नाम रख सकते हो, तुम्हारा चैनल टॉप पर आ जाएगा। अब बात करते हैं सेकेंड चीज़ के बारे में। सेकेंड चीज बताने की नहीं, करके दिखाने की है। तो चलो मेरे साथ। तो अब हम आ गए हैं मेरी पीसी की स्क्रीन की तरफ और तुम्हें यहाँ पे बहुत कुछ दिख रहा होगा, तो वो सब बिना देखते हुए मेरी वीडियो को देखो। अभी देखो, हम लोग को अपना चैनल के टैग्स लगाने होते हैं, जैसे वीडियो के टैग्स होते हैं वैसे चैनल के भी टैग्स होते हैं। तो यहाँ पर YT स्टूडियो पर जाना होगा हम लोग को, और जैसे हमारा चैनल खुलेगा उसके बाद हमें यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है, उस पर क्लिक करना है बस। चीज आप लोग फोन पर भी कर सकते हो, डेस्कटॉप साइट सबको पता ही होगा। तो हम आ जाते हैं चैनल पर। अब चैनल में तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे कंट्री ऑफ रेजिडेंस, इसको जरूर से डाल देना। सेकंड ट्रिक यही है, हम अपनी कंट्री इंडिया डाल देंगे यहाँ पे। इसका बहुत सिंपल रीजन है, क्योंकि इंडिया में ही हमारे नाम को सर्च करने वाले लोग ज्यादातर, ठीक है। तो इंडिया डालने का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि अगर कोई इंडिया में सर्च करेगा ना तो हमारा टॉप पे आएगा, चाहे ऐसा सेम चैनल हमसे थोड़े से ज्यादा सब्सक्राइबर या आसपास का सेम लेवल का हो पूरे वर्ल्ड में, तो इसलिए हम इंडिया करते हैं। लेकिन अगर तुम्हारा नाम बहुत ज्यादा यूनिक है तो तुम इसे छोड़ सकते हो। अब आती है फाइनल और थर्ड ट्रिक। तो थर्ड ट्रिक क्या है, पता ही चल गया होगा, कीवर्ड डालने। कीवर्ड में क्या लिखना है पहले इस चीज को क्लियर कर लेते हैं। अपने चैनल से रिलेटेड गलत स्पेलिंग भरनी है। सही सुना, गलत स्पेलिंग इसलिए भरनी है, तुम्हारा जो भी चैनल है ना उसमें 50% ना गलत स्पेलिंग से लोग आते हैं। तो इसके लिए हमें पहले सही स्पेलिंग लिखेंगे एक दो बार, फिर लेटर वेटर इधर उधर करके ऐसे ऐसे लिखेंगे। तो देखो, पहले मैंने लिख दिया आदित्य श्याल, ठीक है। अब इसमें कैपिटल ए डाल के कर दूंगा और कैपिटल एस डाल के, ठीक है। अब ऐसे ही मेरे को करते जाना है, ठीक है। अब बहुत सारे टैग्स भर देते हैं और फिर तुमसे मिलता हूँ। तो अब मैंने अपनी गलत स्पेलिंग और सही स्पेलिंग से पूरा भर दिया है, जैसे कि तुम देख सकते हैं। अब मैंने YouTube ग्रोथ चैनल, टेक चैनल। अब तुम सोचोगे ये मैंने क्यों लिखा है, इसका बहुत सिंपल रीजन है। लोग जो किसी और के चैनल को देखेंगे, मान लेते कोई मेरा सेम कैटेगरी का चैनल है, लोग उस पर जाते हैं और लोगों को नहीं पता कि ऐसे और कौन से चैनल हैं, तो वो सिंपली क्या सर्च करेंगे यूट्यूब पे, यूट्यूब ग्रोथ चैनल, टेक चैनल, ऐसे सर्च करेंगे ना। तो अगर वहां पर भी हमारा चैनल रैंक हो जाए
तो सब्सक्राइबर्स की मात्रा बहुत तेजी से बढ़ने वाली है दर्शकों। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आया लाइक कर देना। और एक चीज याद रखना, मैं जानता हूँ आप में से काफी सारे लोग कैरी मिना चिट्टीगढ़ इंसान मेथ पैट ऐसे चैनल्स के जो अजीब अजीब नाम होते हैं इन्हें देखते हो, तो अपना भी यूनिक नेम सोचो। इनकी जैसे सेम चैनल तुम्हें बहुत सारे मिल जाएंगे सेम नाम से, ऐसा मत करो। अपना भी ऐसा यूनिक नेम सोचो और उसे ग्रो करके उसे भी एक ब्रांड बनाओ। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आया होगा लाइक कर देना और बिना सब्सक्राइब करे मत जाना गाइस। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।